पहले हम शुरू करते हैं, हेडिंग करते हैं रिएक्शन विथ मेटल। ये दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सॉरी केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोजन हैलोजेंस का दूसरा पॉइंट, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन की बात किया गया। तो देखो मेटल के साथ जब रिएक्शंस की बात किया गया तो यहाँ पे दो मेटल की बात की गई, सोडियम एंड मैग्नीशियम। कौन कौन मेटल्स? सोडियम और मैग्नीशियम मेटल की बात हुई। अब सोडियम के साथ पहले रिएक्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे रिएक्शन विथ सोडियम। तो अगर सोडियम के रिएक्शंस की बात कर लें, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर को कैटलिस्ट के तौर पे लिया गया था। किसके द्वारा? साइंटिस्ट के द्वारा, और उस साइंटिस्ट का नाम गलती से उर्ज आ गया। और ये इतने फेमस साइंटिस्ट हैं कि उर्ज रिएक्शन कभी भी पूछा जाता है, कहीं भी पूछा जाता है। और उर्ज रिएक्शन इतना आसान तरीका से बताऊंगा फिर लास्ट में चल के, पहले बेसिक देख लो उसका, लास्ट में आसान तरीका कर देता हूं। देखो उर्ज रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। पहला लिखेंगे इसमें ए पॉइंट, डब्ल्यू यू आर टी जेड रिएक्शन। चलो उर्ज रिएक्शन में एक थियोरी लिख लेंगे, व्हेन हैलोएल्केन रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन इट फॉर्म एल्केन विथ डबल द नंबर ऑफ कार्बन एज इट्स पैरेंट एटम। ठीक है, इज कॉल्ड उर्ज रिएक्शन, इतना लिखना होगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे उसके नीचे करके कि इसका जो रिएजेंट होगा वो होगा सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ, रिएजेंट लिखोगे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। चूंकि ये सोडियम के आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन खाली है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है, शेयर जल्दी नहीं करता लेकिन शेयर भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है किसी का इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी इसके पास बहुत ही ज्यादा है। ठीक है ना, सोडियम सॉरी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को। अभी देखना, देने की टेंडेंसी इसके पास बहुत ही ज्यादा है। अगर हमारे पास CH3 और यहाँ पे Cl जुड़ा है, मान लेते Cl जुड़ा है और इसको मैं सोडियम से रिएक्शन कराऊं, सोडियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। देखो यहाँ पे क्लोरीन है, अब क्लोरीन कार्बन से शेयर करके जी रहा है। अब शेयरिंग के साथ जीना और पूरा इलेक्ट्रॉन मिल जाए तब जीना, दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा? पूरा इलेक्ट्रॉन लेके जीना, क्योंकि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के कभी भी कोई जा सकता है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे ही बढ़ी, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद वो इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है। बट अगर सोडियम बोले कि आ जाओ मेरे पास, मैं पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं दे दूं तुमको, तो ये क्लोरीन चला सोडियम के पास। सोडियम क्या बोलेगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन खाली है, जितना ही तुम्हारे पास है उतना ही लेके आओ। मतलब क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में से एक ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, मतलब यहाँ पे होमोलाइसिस क्लीवेज होगा। तो ये मेन पॉइंट है उर्ज रिएक्शन की, इन उर्ज रिएक्शन होमोलाइसिस क्लीवेज टेक्स प्लेस, याद रखना इन उर्ज रिएक्शन होमोलाइसिस क्लीवेज टेक्स प्लेस। देखो यहाँ पे ना ये बराबर ना ये बराबर, लेकिन ये तोड़ने वाला जो है वो होमोलाइसिस क्लीवेज करवा रहा है। जब मैं फ्री रेडिकल की वीडियो बनाया था उसमें पूरा दिया है कि अब देखो यहाँ पे बन जाएगा NaCl और बच जाएगा CH3 रेडिकल, रेडिकल बच जाएगा। अब इस रेडिकल को क्या करेंगे, कोई रिएक्शन करने वाला नहीं है, तो ऐसा ही जब कंटेनर में 500 CH3 रेडिकल जब बन जाएगा, तो एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से, तीसरा रेडिकल चौथे रेडिकल से, 500 ही नहीं, 100 150 2 3 4 5, एक से ज्यादा जैसे ही CH3 रेडिकल बनेगा, एक दूसरे से अटैच हो के ये क्या करेंगे, CH3 बॉन्ड बनाएंगे। जैसे CH3 रेडिकल, देखना यहाँ भी CH3 रेडिकल, एक रेडिकल एक रेडिकल, बोलेगा मेरे पास भी एक की कमी है, मेरे पास भी एक की कमी है, तो शेयर कर लो, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे कुछ है नहीं, ऐसे ही एक क्लोरीन निकाले, रेडिकल बनाए और वैसे ही रेडिकल से फिर अटैच किया। जैसे एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ, देखो CH3CH2Cl, अगर इसको सोडियम से रिएक्शन, ये ड्राई ईथर लिख लेना यहाँ पे, अगर इसको ड्राई ईथर से रिएक्शन कराएं, ड्राई ईथर देखते जाना थोड़ा सा, अगर ड्राई ईथर से रिएक्शन कराएं तो यहाँ क्या बनने जा रहा है, CH3CH2, ये Cl Na के साथ चला जाएगा, तो यहाँ रेडिकल, अब रेडिकल क्या करेगा, डाइमराइज हो जाएगा, यहाँ NaCl निकल गया बनके, ऐसा ही एक और ग्रुप लेगा, कहाँ से आएगा, फिर से ऐसा रिएक्शन होगा, वहीं से एक ऐसा ग्रुप एक और आएगा, ये दोनों डाइमराइज होके, डाइमराइज बताया था मैंने, फ्री रेडिकल रिएक्शन देखो, डाइमराइजेशन क्लियर हो जाएगा, डाइमराइज करेगा तो क्या बना देगा, CH3CH2, और फिर ऐसा ही CH2CH3 जो होगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ के बॉन्ड बना लेते हैं।
इस तरह से उर्ज रिएक्शन होते हैं। उर्ज रिएक्शन के सबसे इफेक्टिव पॉइंट पे अगर आए, क्योंकि कॉम्पिटिशंस की बात हो रही है और एडवांस की कॉम्पिटिशंस की बात हो रही है, तो बहुत ही तगड़े पॉइंट्स आएंगे, ऐसे लोकल पॉइंट्स पे काम नहीं होगा। देखना, अगर तगड़े पॉइंट्स की बात कर ले उर्ज रिएक्शंस की, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन दूँ और यहाँ पे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये डिब्बा तो रहेगा चार कोना, यहाँ पे एक आ जाएगा रेड कलर, क्योंकि NaCl को लेके निकल जाता है, मतलब यहाँ ऐसा ही डिब्बा एक और बनेगा, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, रेडिकल को रेडिकल चाहिए, अगर रेडिकल मिल जाता तो ये एक और डिब्बा नहीं लाके उस रेडिकल से भी अटैच हो सकता था, लेकिन अभी तो इसके पास नहीं है, मतलब ऐसा ही एक और डिब्बा लाएगा और उसका भी रेडिकल, इसका भी रेडिकल, दोनों अटैच होके बॉन्ड बना लेंगे। बोलो, ये स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अगर इसी डिब्बे में, सुनना, एक क्लोरीन यहाँ हो और एक क्लोरीन यहाँ हो, या ब्रोमीन हो, जो भी हो, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे ये सोडियम इस क्लोरीन को भी लेके आएगा, ये सोडियम एक्सेस होता है, सोडियम अब गिन के नहीं डालोगे कि एक ही डाल रहा हूँ, कि एक ही क्लोरीन को लेके आना, दूसरे को मत लेके आना, ये भी क्लोरीन को लेके आएगा और ये भी क्लोरीन को लेके जाएगा, मतलब यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, अब दो कार्बन के बीच में अगर रेडिकल मिल ही गया तो फिर इस डिब्बे का इंतजार होगा क्या कि वैसा रेडिकल फिर बने तब मैं रिएक्शन करूंगा? नहीं, ये फटाफट रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसको भी रेडिकल चाहिए, इसको भी रेडिकल चाहिए, दोनों के पास रेडिकल है, शेयर करके एक बॉन्ड बना लेंगे। बोलो, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ना कि यहाँ भी डिब्बा और यहाँ भी डिब्बा, ऑप्शन में था, ये IIT एडवांस के क्वेश्चन से पूछा जा चुका है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। अगर यहाँ पे ये भी हो सकता है, मैं ऐसा क्वेश्चन दे देता हूँ, Cl और यहाँ पे Br भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे सुनना, Cl यहाँ पे Br भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे अगर दू Cl, Cl, इन सब को सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर से रिएक्शन करा के एग्जाम्पल्स के तौर पे लिख लेना, ये हो जाता है उर्ज रिएक्शन। क्लियर है? अब अगर बातें कर लो बी पॉइंट की, ये उर्ज रिएक्शन ए पॉइंट में था, याद रखो, थोड़ा ध्यान से देखो, बी पॉइंट की बातें कर लो, इस समय क्या हो रहा था, देखना, सेम रिएक्शन हेलोएल्केन से करा रहे थे उर्ज, वो कराते कराते इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा बीत चुका था, ये खाना खाने के लिए अपने घर जाते हैं, जैसे ही खाना खाने के लिए घर जाते हैं, इनका जो असिस्टेंट होता है देख रहा होता है कि हेलो एल्केन डाल रहा है, बार बार सोडियम डाल दे रहा है और प्रोडक्ट बना ले रहा है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, तो इसने क्या किया कि कुछ तो चेंज करूं, तो इसने डाल दिया हेलोरीन, और जैसे ही इसने हेलोरीन डाला वहां भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिखा, और जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिखा इसने हल्ला करना शुरू किया कि ये देखिए सर, यहाँ फिटिक रिएक्शन की बात हो रही है, क्योंकि इसकी जो साइंटिस्ट की बात थी उसका नाम फिटिक था, साइंटिस्ट एक्चुअली नहीं, असिस्टेंट साइंटिस्ट था, फिटिक की जहां बात आई, इसने इसमें इसका डेफिनेशन भी लिखते चला, व्हेन हेलोरीन रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन इट फॉर्म क्लोरोबेंजीन। क्लियर है? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन। क्लियर? देखना यहाँ पे, सॉरी, क्लोरोबेंजीन डाइफिनाइल, डाइफिनाइल क्लोरोबेंजीन डाइफिनाइल, देन इट फॉर्म दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन। याद रखना, फिटिक की बात थी, इसका भी रिएजेंट सेम था, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि ये बेचारा खड़ा होकर देख रहा था रिएक्शंस, कह रहे मजा आ रहा है, हेलो एल्केन सोडियम प्रोडक्ट, हेलो एल्केन सोडियम प्रोडक्ट, हेलो एल्केन सोडियम प्रोडक्ट, अरे वाह। अब उर्ज को मिला कि कुछ जाके लिख के आता हूँ घर से, गए, भूख लगा, खाना खाने लगे, तब तक फिटिंग ने चालू किया बेंजीन, सुनना, मतलब हेलोरीन, बेंजीन के ऊपर हेलोरीन लगा, फिर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मतलब हेलोरीन। अब क्या हुआ कि हेलोरीन से डाल के देखा कि भाई हेलोरीन तो दे ही रहा था, हेलोरीन भी डाल के देखा, हेलोरीन जैसे ही डाला इसको मिला यहां रेडिकल, मतलब हेलोरीन का भी बॉन्ड ये सोडियम तोड़ने में कामयाब था, इतने हाईली अनस्टेबल रेडिकल बनाने के लिए तैयार था ये रेडिकल, फिर ऐसा ही रेडिकल खोजेगा ना, मैं उस समय से बातें कर रहा हूँ रेडिकल की, डाइमराइज हो जाएगा और ये डाइमराइज होने के बाद प्रोडक्ट बना लेगा ये कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल। अभी ये पागल इंसान अभी हेलो एल्केन और हेरोइरीन भी डालता दोनों एक साथ, तब तक उर्ज आ जाता है, उर्ज के आने के बाद मामला गड़बड़ हो जाती है,
क्योंकि वो गुस्सा इसलिए होता है कि वो प्लेटफॉर्म अपने लिए तैयार किया था, उस पर बहुत सारी चीजों को खोज करता, तब तक ये खोज कर चुका था। अब इसके खोज करने के बाद इसका नाम आ गया सामने, कौन खोज किया, तो एलोरिन का खोज उठ जिन्हें पिटिंग ने किया। तब तक ये बातें उठ के आई कि चलो हम ही लोग मिलके क्यों नहीं एक और रिएक्शन बनाते हैं, कि वही सोडियम इंपर्जेंस ऑफ ड्राई इथर में अगर हम लोग हेलोरिन डाले थे तो प्रोडक्ट दिया था, हेलोरिन डाले थे तो भी प्रोडक्ट दिया था। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा, वीडियोस में देख लेना क्लियर हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, थोड़ा मजबूर है, अब क्या किया सकता है देखना। तो अब हम लोग क्यों नहीं एक हेलोएल्केन एक हेलोरिन दोनों मिक्स करके डालें, देखो पागलपन का एक हद होता है, इसलिए तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री है, कुछ भी डालो कुछ ना कुछ बनेगा, मजा आएगा। तो इसका हद होता है, मान लेते ये एक सॉल्यूशन तैयार किया, इसमें मैं पेन डाल रहा हूँ तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, पेंसिल डाला कन्वर्ट हुआ, अब पेन पेंसिल एक साथ डाला किसी और चीज का फॉर्मेशन करेगा। तो मजेदार चीज है ये है यहाँ पे कि इन दोनों ने मिलके तैयार किया उर्ज फिटिंग रिएक्शन के नाम से एक रिएक्शन। यहाँ देखना दोनों साइंटिस्ट एक साथ मिल गए, हम क्योंकि ये भी अब साइंटिस्ट बन चुका है, ये भी अब किसी का असिस्टेंट नहीं रहा, तो सी पॉइंट में लिखेंगे उर्ज फिटिंग रिएक्शन। उर्ज फिटिंग रिएक्शन की अगर बात कर ले तो यहाँ पे एक ने हेलोएल्केन का मिला के खोज किया था, एक ने हेलोएरिन का मिला के खोज किया था, दोनों ने मिला के अब खोज किया है, तो एक हेलोएरिन एक हेलोएल्केन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, यहां से क्लोरीन आएगा सोडियम ले जाएगा तो ये CH3 रेडिकल बनाएगा, बोलो यहां से CH3 रेडिकल बनेगा, यहां से क्या बनेगा बेंजीन रेडिकल। अब ये जब दोनों रेडिकल बन गया आपस में तो क्या ये फिर से ऐसा रेडिकल बनने की वेट करेगा, नहीं ये दोनों रेडिकल अटैच हो जाएंगे और बन जाते हैं एल्काइल बेंजीन। तो इसका डेफिनेशन जब लिखेंगे उसमें लिखेंगे व्हेन वन मोल ऑफ हेलोएल्केन्स एंड वन मोल ऑफ हेलोरिन्स रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन इट फॉर्म एल्काइल बेंजीन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्लियर रहेगा, और ये एग्जाम्पल छापेंगे और बिल्कुल ऐसा ही चिपकाएंगे बोर्ड्स में, फुल मार्क्स मिलेंगे। ये था एडिशन विद सॉरी रिएक्शन विद सोडियम, ठीक है ना। अब अगला बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम वेरी इंपॉर्टेंट है, अगले वीडियो में कर लेता हूँ इसको।